नमस्कार, आप देख रहे हैं नैनावल न्यूज खबर बिजनौर से। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री ठाकुर मूलचंद चौहान को धामपुर पुलिस ने किया नज़रबंद। आपको बताते चले, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आह्वान पर 14 दिसंबर को जिला मुख्यालय पर किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पहुंचना था, लेकिन धामपुर पुलिस ने आज सुबह से ठाकुर मूलचंद चौहान को नज़रबंद कर दिया। उनके साथ सैकड़ों समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कार्यालय पर मौके पर पहुंचे। पुलिस प्रशासन SDM धीरेन्द्र कुमार सिंह, CEO अजय कुमार अग्रवाल, क्राइम इंस्पेक्टर राजेश तिवारी समेत तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। पार्टी कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जावेद सईद मुफ्ती, मुदित गुप्ता, लाल बहादुर सिंह, हाजी कलाम अंसारी, धर्मवीर जोशी, अरशद अली, सुरेंद्र सिंह, राजीव कुमार, सलाउद्दीन, राजेंद्र चौधरी, राजेश सिंह, सलीम, तुषार, नवीन सिंह, आदित्य कुमार आदि लोग मौजूद रहे। हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने आज 14 तारीख के लिए आह्वान किया था कलेक्ट्रेट पर धरना देने। आज पूरे जनपद के समाजवादियों को कलेक्ट्रेट पर जाकर धरना देना था, तो सुबह ही से ही रात से ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को उनके घरों पर कैद कर दिया गया और घरों से नहीं निकलने दिया। हमारे कुछ साथी घरों से निकलकर दाएं बाएं होकर वो बिजनौर पहुंच गए, और ये लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सभी को अधिकार है। ये दमनकारी सरकार, ये गुंडागर्दी की सरकार, मैं समझता हूँ 2022 में निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। और जो 5 सालों में हमारी सरकार में जितने भी विपक्षी दलों के आंदोलन हुए हैं, हमने न किसी को रोका है। लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सभी को अधिकार है, लेकिन ये हर चीज को रोककर, जबरदस्ती लाठी डंडे चलवाकर दलों हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता ने हमेशा संघर्ष किया है और संघर्ष करते रहेंगे। हम इनके लाठी डंडों से कभी घबराने वाले नहीं। लोकतंत्र में अपनी बात कहकर बराबर जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनके समर्थन में बराबर उनके साथ हम खड़े होकर